कहने लगे दादा तुम कहते हो तो एक बात करनी पड़ेगी, फिर बोल मंजूर हो तो बोलो। यशोदा बोली बोलो क्या करना पड़ेगा, दर्शन करवाने पड़ेंगे लाला के। यशोदा मैया कहने लगे ठीक है लाला फिर करवा देंगे बाबा दर्शन। आ गए भोले बाबा वापिस। अब यशोदा मैया लाला को लेकर के आई और दूर से खड़ी हो लो लो बाबा दर्शन कर लो। कहते ये भी कोई दर्शन हुआ, मेरे पास लेकर के आओ। नहीं 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 बाबा आपने दर्शनों की कही थी दर्शन कर लो, ये कोई दर्शन वर्शन नहीं है, मैं नजदीक नहीं आऊंगी आपके, सांप ही हूं फण ताण्या खड़े। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा लेके आओ। अब डरती डरती यशोदा मैया लग भोले बाबा के पास पहुंची। लो अब कर लो यहां मेरे गोद में दो, गोद में डरती डरती ने गोद में पकड़ा दिया। अब लाला तो हंसने लग गया, खिलखिला के हंस पड़े। अब हो गई दर्शन लाओ मेरे को वापिस दे दो। वापिस दिया फिर रोने लगे, कहने लगे भोले बाबा कह रहे मेरे को दो वापिस। वापिस दिया तो फिर हंसने लगे। इस प्रकार से कई बार किया तो यशोदा मैया ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा ऐसा कर दो ना मेरी गोद में भी हंसने लग जाए। तो कहने लगे फिर एक काम करना पड़ेगा। क्या? मेरा एक छोटा सा मंदिर बनाना पड़ेगा, आपके लाला को स्नान करवाओ उसी से मेरे को स्नान करवाना होगा, शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है बाबा ऐसा ही करेंगे। तो उसी दिन से भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, नंदेश्वर भगवान। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय हो। अब तो भोले बाबा बड़े खुश हुए और चल पड़े बम 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 भोले हो पतरी संग बजा भोले बम 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 भोले पतरी संग बजा भोले बम 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 भोले पतरी संग बजा भोले। जय बोलो त्रिभुवन की आए जो की बन के बम 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 बजा भोले बम 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 भोले बदरी संग बजा भोले। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से भोले बाबा ने दर्शन किए वापिस चले गए। अब इधर से कंस को पता लगा कि सट्टासुर का भी वध हो गया, तो तरणावर्त नाम का एक राक्षस भेजा। तरणावर्त का मतलब ये भमोड़िया नहीं होता, अपने कई कई महीनों का भमोड़िया बनाता यो भाई, इसमें गड़बड़ है, भमोड़िया में राक्षस है, पाली छोटे छोटे आ करते इसमें जुत्ती फेंक दो पीछा की भेड़ी पाओगी नहीं गया करते, तेरा ने पाया करती ना पाया करती। वो राक्षस थे ये तरणावर्त राक्षस, वही रूप बना के आया और उठा ले गया भोले बाबा उसको लाला को ले गया आसमान में। आवे लाला ने देखा रे ये तो कोई बवंडर नहीं है, ये तो कोई राक्षस है, और एक गुस्सा ऐसा लगाया कि उसका कर दिया काम। दौड़ी दौड़ी गोपियां ने यशोदा आई, अरे ये क्या कर दिया। यशोदा बोली मेरे को क्या पता था ये तरणावर्त ये तो भमोड़िया उठा ले जाएगा। कहने लगे तुम ध्यान नहीं रखती हो, बड़े ओढ़ में छोड़ में दिए इस प्रकार से। अब इस प्रकार से लीला भगवान कर रहे हैं, ये लीला चलते चलते एक वर्ष बीत गया। अब इधर से
यशोदा वो जो वसुदेव थे उनके मन में विचार आया कि मेरे लाला एक तो एक वर्ष का होगा, एक उससे भी बड़ा है, दोनों का नाम संस्कार अभी हुआ ही नहीं होगा। नंद बाबा के यहाँ तो उत्सव मन रहा है, उनको तो ध्यान ही नहीं है कि नाम भी रखना है। तो उन्होंने अपने एक पुरोहित थे गर्गाचार्य, उनको भेजा कि ऐसा करो, आप मेरे दो पुत्र हैं, उनका नाम संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य कहने लगे, मैं जाऊंगा नहीं तो कंस को शक हो जाएगा कि मैं तो तेरा पुरोहित हूं। और अगर पता लग गया कि गर्गाचार्य ने नाम संस्कार किया है तो समझ लेगा कि ये वसुदेव का पुत्र है। कहने लगे, नहीं ऐसा ना करें, आप धीरे से चुपके से कर रहे हो। गर्गाचार्य जी आए हैं नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, आया बैठाया, आइए जी महाराज आइए बैठिए, कहाँ से आना हुआ, कहाँ जा रहे हो। गर्गाचार्य कहने लगे, ब्राह्मणों का काम क्या है, किसी के साथ ही विवाह कर दिया, किसी की बातचीत खड़ी कर दी, और या फिर किसी का नाम दस दिया, नाम संस्कार कर दिया, ये काम ब्राह्मणा का। ओह, नाम संस्कार से याद आया, हमारे भी दो लाला हो गए एक एक साल के, एक तो बड़ा है एक छोटा है, उनका भी नाम ही नहीं रखे, ध्यान ही रहे हैं हमारे। गर्गाचार्य जी ऐसा करो, आप रख दो। कहने लगे, नहीं मैं नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हूं वसुदेव का पुरोहित, और नाम रखूंगा तो कंस को पता लग जाएगा और वो ऐसा समझ लेगा कि ये तो देवकी का पुत्र है। फिर पता कैसे लगेगा? पता तो ऐसे लगेगा कि कोई भी काम करते हो तुम उत्सव मनाते हो। नहीं नहीं, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे। तो चुपके से रख दो आप, तो ठीक है, फिर गौशाला में भेज देना। गौशाला में गर्गाचार्य जी पहुंच गए। यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि देखे कि कोई पंडित जी को ठीक ठाक है कि वैसे ही कोई घटिया पंडल है, पंडल मतलब नहीं के क्या कह रहा है, नहीं कोई महाराज है कि पंडित जी वो जाने की मैं कौन बदो करके आग्रह बना के सुहा सुहा करके आके और नाम धरते कदर दे बारी को नाम पट दे नाम धरते कुंड दी कंड दी कि मैं किसी कुंड दे है ना ले यो नाम टेक दे कदर दे इसे से भी हम ब्राह्मण हो। ये सौदा मन में सोचे को देश है पकड़ दिया है नंद बाबा। ये पंडित जी आगे मेरा भी तो कौन पटा नहीं के भीतर में गए, बाहर तो ठीक दिखता हो मन कर अच्छा हो बढ़िया, वाह भाई वाह, अंगोथा अंगाथा बढ़िया, और भीतर मन कर धीरो फिर ये कर लिया अगला। ये बुला लिया तो उसने पूजा तो करवानी पड़ेगी, मगर हमारे ब्राह्मण ऐसे नहीं है, वृंदावन से आए हैं, शास्त्री की हुई है, बड़े विद्वान ब्राह्मण है, मान ले ब्राह्मण पर ना ला लियो तो मेरा बात है। हाँ कदी ला लियो। एक बार एक पंडित ही रहा करता, कदे तमेश ब्राह्मण ईसाई है और बाबा कर